जीआरटीसी में जाकर अपन आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर शॉप। नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और इस आप इस ट्यूटोरियल के माध्यम से देखेंगे कि शाला दर्पण के माध्यम से बच्चों को टीसी किस प्रकार दी जा सकती है। तो पहले तो अपन ये डिसाइड कर लेते हैं कि शाला दर्पण के माध्यम से किन बच्चों को टीसी दी जाएगी। जैसे सीनियर स्कूल के अंतर्गत जो कन्वर्ट, पहले तो शाला दर्पण चलता है सीनियर स्कूलों में, जिनमें प्राइमरी स्कूल के जो मर्ज विद्यालय हैं उन बच्चों की शाला दर्पण पर टीसी अपन जारी कर सकते हैं, जो 1 से 8 हो चाहे 1 से 5 हो। बट सीनियर स्कूल में ही शाला दर्पण पर टीसी अपन जारी की जा सकती है। शाला दर्शन चलता है प्राइमरी स्कूल में, प्रारंभिक शिक्षा में शाला दर्शन चलता है, तो उसके अंतर्गत अपन अभी फॉर्मेट वो जारी नहीं किया है, अभी होने ही वाला है, इसके बारे में अभी आदेश हुए नहीं है। लेकिन अपन इसमें शाला दर्पण के माध्यम से किस तरीके से अपन टीसी जारी करते हैं, तो आइए अपन देखते हैं। आप लॉगिन करेंगे शाला दर्पण की साइट को, उसके बाद में होम पेज पर जो आपको सामने दिख रही है इसको क्लोज बटन पर क्लिक करने के बाद, जल लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक, स्कूल एंड शाला दर्पण का रिक्वायर्ड पासवर्ड जो होगा, उसके बाद में इंटर रिजल्ट कैप्सा, मीन्स इसको अपन इस कैप्सा को प्लस करके इसमें डालेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने होम पेज खुलेगा, जिसमें यहाँ पर सभी ऊपर जो ऑप्शन दिए हुए इसमें विद्यालय, विद्यालय का पूरा विवरण है इसमें, शिक्षक, विद्यार्थी प्रपत्र, SIQE, रिपोर्ट, डाउनलोडिंग, स्टार रैंकिंग, रिजल्ट। इसमें अपन को विद्यालय प्रपत्र में यहाँ पर टीसी जारी करें प्रपत्र पर क्लिक करना है। पहले तो ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपन को जिस बच्चे की टीसी एक ही बार जारी होती है, अगर गलत बच्चे की टीसी अपन ने जारी कर दी या इनरोलमेंट गलत जारी कर दिया, अपन ने गलत इनरोलमेंट डाल दिया और अपन ने टीसी जारी कर दी, तो दोबारा उस बच्चे को वापस शाला दर्पण में एंट्री करने के लिए दूसरा SR नंबर इशू करना होगा। इसलिए पहले अपन को यह देख लेना चाहिए कि किस बच्चे को टीसी जारी अपन को करनी है। तो अपन टीसी जारी करने के समस्त निर्देश जो है वो यहाँ पर खुल चुके हैं, उसको अपन अच्छी तरह से प्राप्त पढ़ लेंगे। इसको इसमें बताया गया है कि मतलब टीसी एक ही बार जारी होती है, मतलब स्कूल के जो हेडमास्टर हैं या प्रिंसिपल सर हैं तो टीसी पर एक ही बार जारी साइन होते हैं, टीसी जो जारी की जाती है उस पर एक ही बार साइन होते हैं, दोबारा उस पर कभी भी साइन नहीं होते, चाहे ऑफलाइन टीसी हो चाहे ऑनलाइन हो। इन निर्देशों को पढ़ने के बाद में अंतिम यहाँ पर नेक्स्ट जनरेट टीसी पर क्लिक करने के बाद में इंटर SR कोड, यहाँ पर सीरियल नंबर जो डालेंगे अपन, सीरियल नंबर डालने के बाद में SR नंबर डालने के बाद अपन खोज पर क्लिक करते ही तुरंत आपके सामने इस तरीके से होम पेज खुलेगा, जिसमें यहाँ पर SR नंबर जो अपने दर्ज किया है, पूर्व विद्यालय के अंतिम कक्षा, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, विद्यार्थी का नाम और पिता का नाम प्लस जन्मदिनांक और उसकी टीसी की स्थिति, मतलब वर्तमान में बच्चा टीसी यानी कि टीसी की स्थिति क्या है उसकी, वर्ड पर आगे इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो होम बॉक्स बॉक्स जो खुला है उसमें बताया जा रहा है कि विद्यार्थी विवरण प्रपत्र भरा जा चुका है, यानी कि प्रपत्र 10 शाला दर्पण के अंदर भरा गया है तो ही ये टीसी जारी करेगा। यहाँ पर भरा गया है उसका टिक बताएगा, अगर आपने भर दिया है तो, जो उसके बाद में अगर आपने नहीं भरा है तो यहाँ पर रेड क्रॉस का निशान होगा, बट यहाँ पर ग्रीन है निशान तो यहाँ पर भरा हुआ है। और क्या विद्यार्थी की प्रथम प्रविष्टि की जा चुकी है, यस वो भी की जा चुकी है। उसके बाद में अपन यहाँ पर सबमिट बटन पर, जो आपके सामने खुली हुई जो टीसी की स्थिति है यहाँ पर इसकी जन्मदिनांक ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि अपन ने पूर्व में भर दी है इसको। विद्यालय में प्रवेश की कक्षा यानी कि पहले कौन सी कक्षा में उसने फर्स्ट प्रवेश लिया था, विद्यालय की अंतिम कक्षा जहाँ पर अपने, जैसे मान लो 6ठी कक्षा में एडमिशन लिया है अपनी स्कूल में बच्चे ने, तो पूर्व की कक्षा कौन सी पढ़ा वो, 5th क्लास, तो 5th क्लास को यहाँ पर अपन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूरी कुल कार्य दिवस,
यहाँ पर कुल कार्य दिवस कितने हुए अपने इस पूरे उस ईयर के दरमियान, कुल कार्य दिवस अपने विद्यालय के कितने हुए थे, उसमें कुल विद्यालय द्वारा कार्य दिवस में उस बच्चे की उपस्थिति यहाँ पर दर्शाएंगे अपन। और उसके बाद में परीक्षा प्रणाली को अपन को ग्रेडिंग प्रणाली है, इसको कोई इश्यू नहीं है, ये ऑटोमेटिकली शो है। और परीक्षा परिणाम यानी कि बच्चा वर्तमान में अध्ययनरत है और यदि इस विद्यालय में अनुत्तीर्ण रहा है तो वह अपन को इस बॉक्स में दर्शाना है। परीक्षा परिणाम की दिनांक यहाँ पर शो नहीं करनी है, यह ऑटोमेटिकली क्लोज बॉक्स है। आचरण उसका लिख देना है, अच्छा या जो भी है उसका आचरण, बेटर गुड। और टीसी जारी करने का कारण यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आगे अध्ययनरत है या ज़्यादा लगातार अनुपस्थित रहने के कारण, या इसमें से सेलेक्ट करना है। इस दरमियान अपन को यहाँ पर टीसी जारी करें इस बटन पर आगे अपन क्लिक करेंगे, या इसमें से कोई अपन को गलत भरा जा चुका है तो वापस जाए बटन पर अपन क्लिक करेंगे। यहाँ पर जारी बटन पर क्लिक करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टॉल बॉक्स खुला हुआ है जिसमें राजराम साइनसी सेज, यानी कि कृपया टीसी जारी करने से पहले सभी जानकारियाँ जांच लें, बाद में कोई बदलाव संभव नहीं है। अपन को पहले से ही वार्निंग है कि यहाँ पर आपने जो जानकारी भरी है वो पूरी तरह से देख लें। उसके अलावा आप कन्फ्यूज़न होने पर कैंसिल बटन पर क्लिक करें, या बिल्कुल सही होने पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने सामने जो टीसी बनकर आई है वह केवल एडिट ड्राफ्ट टीसी है, यानी कि टीसी क्रमांक अभी अपन को इश्यू नहीं हुआ है। यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करके आप कुछ भी गलती को सुधारा भी जा सकता है, और अगर कोई गलती न होने पर अपन व्यू एंड कंफर्म टीसी पर क्लिक कर सकते हैं। जारी टीसी बनकर तैयार हो गई है और इसमें एक वार्निंग है जी रेड अक्षर में लिखा हुआ है, जिसमें चेक बॉक्स पर अपन टिक करेंगे और उस वार्निंग को अच्छी तरह से देख लेते हैं कि इसमें एक बार टीसी जारी होने के बाद में भविष्य में दोबारा टीसी में बदलाव कोई संभव नहीं होगा, किसी बच्चे की कोई सूचना को भी अपन अध्ययन नहीं कर सकते। अगर अपन बिल्कुल ओके हैं तो फाइनल कन्फर्म पर टिक करें, या कोई कन्फ्यूज़न होने पर कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने पास में पहले टीसी का क्रमांक इशू नहीं हुआ था, बट अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि टीसी का क्रमांक अपने पास में इशू हो गया है, तो ये फाइनल टीसी है, इसका अपन आसानी से प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखा मित्रों आपने एक अपन शाला दर्पण पर टीसी किस तरीके से अपन जनरेट कर सकते हैं, और जनरेट टीसी को अपन आसानी से इशू कर सकते हैं। तो शाला दर्पण के माध्यम से यहाँ पर ये टीसी का अपन प्रिंट आउट आसानी से ले सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, यहाँ पर ये चेकबॉक्स बता रहा है कि टीसी ग्रीन बिल्कुल सही, स्टूडेंट टीसी हैज बीन जनरेट एक्सिट सक्सेसफुली, यानी कि अपने द्वारा जारी टीसी बिल्कुल सक्सेसफुली जनरेट हो गई है, अपन आसानी से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपन शाला दर्पण के माध्यम से टीसी इशू आसानी से कर सकते हैं। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर लाल बटन पर क्लिक करने के बाद में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें मित्रों। ओके थैंक्स।